हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है और स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि मीथेन और ऑक्सीजन के इक्वल अमाउंट को एक एम्प्टी कंटेनर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिक्स किया गया है। तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। तो हमें टोटल प्रेशर का फ्रैक्शन पूछा गया है, कितना प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होगा। तो सबसे पहले अगर इक्वल अमाउंट है मीथेन और ऑक्सीजन की, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16 यूनिट और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है 32 यूनिट। तो इक्वल मास के लिए अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे ऑक्सीजन का, दैट विल बी एक्स, दैट अमाउंट है जो इक्वल मिक्स की है, एक्स अपॉन 32 अपॉन एक्स अपॉन 32 प्लस एक्स अपॉन 16। नीचे वाला डिनोमिनेटर बता रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी मिक्सर, ऊपर वाला न्यूमरेटर बता रहा है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन दी मिक्सर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी 1/3। इट मीन्स जो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन रहेगा टोटल प्रेशर के अंदर वो रहेगा 1/3। तो ऑप्शन आपका जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा डी, दैट इज 1/3। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक कंटेनर के अंदर मिक्सर है तीन गैसेस का, ए बी और सी का। अब उन तीनों गैसेस का जो टोटल प्रेशर है दैट इज 10 एटमोस्फेरिक यूनिट और उस मिक्सर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी 10 है और इंडिविजुअली अगर देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी और गिवन है आपको ए और बी का। तो टोटल प्रेशर आपको गिवन है 10 एटमॉस्फेरिक यूनिट, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू 10 एटमॉस्फेरिक यूनिट और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिया हुआ है आपको 3 यूनिट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दिया गया है आपको 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। अब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सी विल बी 10 माइनस 3 प्लस 1, दैट इज 6 एटमोस्फेरिक यूनिट। तो टोटल मिक्सर के अंदर जो सी कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर होगा 6 यूनिट। अब पार्शियल प्रेशर जो है 6 यूनिट पी सी, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर है जो मिक्सर का दैट इज 10 एटमोस्फेरिक यूनिट और पार्शियल प्रेशर है उस कंपोनेंट का दैट इज 6 यूनिट। तो आपके पास जो टोटल प्रेशर से और पार्शियल प्रेशर से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.6। तो इस तरह से डाल्टन लॉ को यूज करके हमने मिक्सर के अंदर जो सी कंपोनेंट था उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर जो सी कंपोनेंट है उसका मॉलिक्यूलर मास 2 यूनिट हो तो उस मिक्सर के अंदर सी के कितने ग्राम प्रेजेंट है। अब मोल फ्रैक्शन कितना है आपके पास 0.6 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं 10, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के लिए। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी दैट इज एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज 10 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सी कंपोनेंट के दैट विल बी 0.6 इंटू 10 दैट इज 6। तो 6 मोल आ गए आपके पास मिक्सर के अंदर सी कंपोनेंट के। अब उसका मॉलिकुलर मास 2 यूनिट है, इट मींस 1 मोल का मास 2 यूनिट है, तो 6 मोल का जो मास होगा दैट विल बी 6 इंटू 2 दैट इज 12 यूनिट। इट मींस जो सी है उसका कितना वेट मिक्सर के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 12 यूनिट। तो पहले हमने मिक्सर के अंदर सी का पार्शियल प्रेशर निकाला, उस सी के पार्शियल प्रेशर से हमने निकाला मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से सी के निकाले नंबर ऑफ मोल्स और फिर नंबर ऑफ मोल से हमने निकाला मिक्सर के अंदर सी की अमाउंट को। अब क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड देखोगे आप तो उसके अंदर आपको एक कंटेनर है दो, उनके वॉल्यूम सेम है दैट इज बी, उनके अंदर ए और बी ऐसे गैसेस प्रेजेंट हैं जो क्या है नॉन रिएक्टिंग है और दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर जो है सिस्टम्स के अंदर वो है 250 टॉर। अगर ये वॉल्स को पार्टीशन वॉल को रिमूव कर दिया जाए
तब मिक्सर का प्रेशर कितना होगा। देखो अगर वॉल को रिमूव करेंगे दोनों कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है सेम है, तो हर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर ए गैस है पहले वी वॉल्यूम में है तो बाद में वो टू वी वॉल्यूम में होगा। इसी तरह से बी गैस भी वी वॉल्यूम से टू वी वॉल्यूम में चला जाएगा, तो वॉल्यूम डबल होगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। इट मीन्स मिक्सर के अंदर ए का प्रेशर 250/2 दैट इज 125 होगा। इसी तरह से बी का प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। अब अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो आपके पास 125 प्लस 125 दैट विल बी 250 टॉर। तो पार्टीशन रिमूव करने के बाद भी मिक्सर का जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा 250 टॉर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे है कि डाल्टन लॉ किस केस के लिए एप्लीकेबल है। अब उसी केस के लिए एप्लीकेबल होगा जिस केस में मिक्सर ऑफ गैसेस क्या होगा, नॉन रिएक्टिंग होगा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके HCl बनाते हैं, तो ये रिएक्टिंग सिस्टम में इस पे डाल्टन लॉ अप्लाई नहीं होगा। अमोनिया प्लस HCl दैट गिव अमोनियम क्लोराइड, NO प्लस O2 दैट गिव NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों सिस्टम क्या है, रिएक्टिंग सिस्टम है। बट CO प्लस H2 क्या है, नॉन रिएक्टिंग सिस्टम है। इट मीन्स इस सिस्टम पे डाल्टन लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दिया गया है कि तीन गैसेस के 0.5 मोल्स एक कंटेनर के अंदर रखे गए, हर गैस के जो अमाउंट है दैट इज 0.5। तो तीन गैस हैं जो, पहला गैस है हाइड्रोजन, दूसरा गैस है SO2 और तीसरा गैस है मिथेन, और उस कंटेनर में एक होल कर दिया गया, तीनों के प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट है। तो होल होने के बाद गैसेस क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, और डिफ्यूजन के बाद जो तीन घंटे का आपको टाइम दिया गया है उसके बाद आपको गैसेस के पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर पूछा गया। अब अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन का रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। तो सबसे ज्यादा मोलर मास है SO2 का, तो इसका डिफ्यूजन सबसे स्लो होगा, उससे फास्ट डिफ्यूजन होगा मिथेन का, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 यूनिट है, और सबसे फास्ट डिफ्यूजन होगा किसका, हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि इसका मास 2 यूनिट है। तो सबसे फास्ट डिफ्यूज करेगा हाइड्रोजन गैस, सबसे स्लो करेगा SO2 गैस। तो इस कंटेनर में से सबसे जल्दी एस्केप होने वाला हाइड्रोजन गैस होगा। इट मीन्स हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर सबसे कम होगा कंटेनर के अंदर तीन घंटे बाद, उससे ज़्यादा होगा मिथेन का पार्शियल प्रेशर, और सबसे ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। तो ये था डिफ्यूजन का फिनोमेना प्लस पार्शियल प्रेशर का टॉपिक।